जैसर वेद कथा, जैसर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जैसर वेद कथा, जैसर वेद कथा, जैसर वेद कथा, जैसर वेद कथा। सद्गुरुदेव ने कहा कि निराकार कोई वस्तु नहीं, सबकर होत स्वरूप, जड़ चेतन दो भेद है, रूप ही रूप अनूप। आज बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारी मान्यताओं के साथ हैं, कोई निराकार के रूप में, कोई साकार के रूप में ईश्वर की पूजा करने का प्रयास करता। ये अनेकों अनेकों मान्यताएं हमारे देश में, इस प्रकार की अनेकों विचारधाराएं, कोई निराकार के रूप में और कोई साकार के रूप में ईश्वर की भक्ति करने का प्रयत्न करता। भक्ति के संबंध में तो हमने अभी विचार विमर्श किया विहंगम योग के सिद्धांत के अनुसार, कि जो आत्मा के धरातल पर, जो आत्मा में स्थित होकर स्वयं का बोध प्राप्त कर, उस परमात्मा की भक्ति होती। तो ये साकार और निराकार का भी ये बहुत बड़ा चक्कर आ जाता। स्वरवेद कहता है, प्यारे निराकार कोई वस्तु नहीं होती, निराकार तो कुछ भी नहीं होता, प्रत्येक वस्तु का अपना स्वरूप है, अपनी स्थिति है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में स्थित है, सबका कर्म गुण स्वभाव है। यह निराकार का क्या मामला है, यह निराकार कौन सी वस्तु है? प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में स्थित है, प्रत्येक का अपना कर्म गुण स्वभाव है, सभी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, यह निराकार का क्या अस्तित्व। इसलिए निराकार कोई वस्तु नहीं, सबका अपना एक 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 स्वरूप है, सबकी अपनी एक स्थिति है, निराकार नहीं है। इसका तात्पर्य यह भी नहीं कि वह साकार है, वह सीमित रूप में है। साकार का यह अर्थ नहीं है कि वह सीमित रूप को प्राप्त हो रहा है, वह माँ के गर्भ में आ रहा है, वह प्रारब्ध को भोग रहा है, नूतन नए कर्म कर रहा है, प्रारब्ध के वशीभूत होकर शरीर को प्राप्त हो रहा है, प्रारब्ध को भोगने के लिए और कुछ कर्मों के संपादन के लिए। साकार और निराकार इन दोनों से परे है उस ईश्वर को सद्गुरु देव ने कहा, स्वर वेद ने कहा, प्यारे, अरे प्यारे, उसको साकार और निराकार की सीमा में बांधने की कोशिश मत करो। उस विश्वव्यापी चेतना को, उस विराट चेतना को तुम साकार और निराकार में बांधने की कोशिश कर रहे हो। इन दोनों से परे उसका अस्तित्व है। साकार और निराकार इन दोनों से भिन्न वह सत्ता है। प्रत्येक वस्तु जड़ और चेतन के रूप में प्रतिष्ठित है, या तो जड़ या तो चेतन, और सबका अपना एक स्वरूप और अपनी एक स्थिति है। वो परमात्मा विश्वव्यापी चेतना है, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, विश्वव्यापी चेतना, संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना है, वो विभू चेतना है, व्यापक चेतना। और आत्मा हम क्या है, हम अणु चेतना है, हम शरीर तक सीमित हैं, इंडिविजुअल कॉन्शसनेस है, अणु चेतना है, हम शरीर तक सीमित हैं, हम भी चेतन हैं, वह परमात्मा भी चेतन है, लेकिन हमारी चेतना केवल शरीर तक सीमित। वो असीमित सत्ता है, विश्वव्यापी चेतना है, वह विभू चेतना है, व्यापक चेतना है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त चेतना। और आत्मा अणु चेतना, वह विभू चेतना,
जब हम अपने अणु चेतना का विकास करते तब उस विभू चेतना के साथ हमारा संबंध होता है। जो चेतना संपूर्ण विश्व में कार्य कर रही है, उस दिव्य चेतना, उस विराट चेतना के साथ हमारा संबंध हो जाता है, परमात्मा से जोड़ता है विहंगम योग। यह जो ब्रह्म विद्या है, ये परमात्मा से जुड़ने की विद्या है, कला है, ये चेतन विद्या है। जिस चेतन विद्या के द्वारा चेतन आत्मा चेतन परमात्मा की भक्ति करता है, चेतन परमात्मा को प्राप्त करता है, ये चेतन चेतन का मामला है। तो इस प्रकार से इस विहंगम योग के द्वारा अंधेरा छट जाता है, अविद्या का नाश, अंधकार का नाश, जड़ता का नाश हो जाता है। अंधकार का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अंधकार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, अंधेरे ने बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया है। और जब तक इस ब्रह्म विद्या की ज्ञान ज्योति नहीं प्रकाशित होगी, जब तक स्वर वेद की वाणी जन जन तक नहीं पहुंचेगी, ये अविद्या, ये अंधकार, ये मिथ्या ज्ञान, ये झूठ ज्ञान, ये विपरीत ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। इस अंधेरे को मिटाने के लिए, इस अंधेरे को नष्ट करने के लिए इसे कोसने की जरूरत नहीं है, स्वर वेद के ज्ञान की जरूरत है, विहंगम योग के प्रकाश की जरूरत है। जब यह प्रकाश होगा, जब ब्रह्म विद्या का प्रकाश फैलेगा, तो ये अविद्या, ये अंधेरा, ये तो नष्ट हो ही जाएगा। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा जो वस्तु जैसी हो उसका वैसे ही बोध ज्ञान प्राप्त होता है। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान, रूप बोध निर्भ्रांत है संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा समझना मानना, ये विद्या और ज्ञान का लक्षण है। वस्तु कुछ है और ये तो कुछ दूसरा समझ रहा है। वस्तु कुछ है, पदार्थ कुछ है और ये कुछ दूसरा भिन्न समझ रहा है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान ही तो गड़बड़ है ना। इस ज्ञान में झूठ है, उसके पास झूठा ज्ञान है, उसके पास विपरीत ज्ञान है, उसके पास मिथ्या ज्ञान है, उसके पास विपर्य ज्ञान है। क्योंकि वस्तु कुछ है और उसे वह कुछ अन्य समझ रहा, तो यही अविद्या है, यही अंधकार है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, इसी को अविद्या कहते हैं, इसी को अंधकार कहते हैं। जो वस्तु जैसी हो उसको उसको वैसा वैसा समझना, आचरण करना, क्रिया में लाना, यही यही विद्या, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। तो ब्रह्म विद्या हमें इसी श्रेष्ठ रूप में प्रतिष्ठित कर देती है, अविद्या और अंधकार को नष्ट कर देती है। जो वास्तविक बोध है, जो वास्तविक तत्व ज्ञान है, उसका उसका बोध करा देती। भक्ति क्या है, योग क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, फल क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, विधि क्या है, निषेध क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, मानव जीवन के कल्याण के समस्त सूत्र, मानव जीवन के कल्याण के समस्त बोध, ये ब्रह्म विद्या कराती है, विहंगम योग कराता है। योग का वास्तविक स्वरूप क्या है, भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, उपासना का वास्तविक स्वरूप क्या है, कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है,
ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है, जड़ और चेतन का वास्तविक स्वरूप क्या है, इन समस्त विषयों पर यथार्थ ज्ञान विवेक क्या है, नित्यानित्य वस्तु क्या है, वैराग्य क्या है, मोक्ष क्या है, इन समस्त विषयों का निर्भ्रांत ज्ञान ये ब्रह्म विद्या कराती है, ये विहंगम योग कराता है। इसके माध्यम से समस्त बोध प्राप्त होते, चेतन आत्मा ही चेतन परमात्मा की भक्ति करता है, चेतन आत्मा के द्वारा ही चेतन परमात्मा का आनंद अनुभव प्राप्त होता है। वह निमित्त कारण है, ईश्वर जो विश्वव्यापी सत्ता है, जो नियंता है, संपूर्ण विश्व का आधार है, जिसके आधार पर ये समस्त क्रियाएं हो रही हैं, स्वर वेद ने कहा कि वो निमित्त कारण है, सबका निमित्त कारण है, वो सबका आधार है, सबका स्वामी है, वो निमित्त कारण है। सृष्टि के कारण तीन हैं, प्रकृति ब्रह्म अरुजि उपादान साधार से निमित्त योनि है सी। निमित्त कारण ईश्वर सबका नहीं, उसी के नियम नियंत्रण में ये संपूर्ण पदार्थ काम कर रहे हैं। सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना काम कर रहा है, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में घूम रही है, किस वैज्ञानिक की औकात है घुमा दे, अरे ये तो अभी ये सब प्रक्रियाओं को समझने में लगे, सूर्य की किरणों पर अभी शोध शुरू हुआ है, प्रारंभिक स्तर पर यह शोध है सूर्य की किरणों पर। तो विज्ञान का काम क्या है भैया, तुम प्रकृति का अन्वेषण करो, प्रकृति को जानो, प्रकृति के विषयों का अन्वेषण करो, बड़ी व्यवस्था है, अद्भुत व्यवस्था काम कर रही है, वैज्ञानिक समझ पाए या ना समझ पाए, ये अद्भुत व्यवस्था, ईश्वरीय व्यवस्था काम कर रही है। संपूर्ण वातावरण में ऑक्सीजन किसने घोल दिया, हमारे आपके लिए ईश्वर की अनंत शक्तियां सदैव काम करती रहती है, हमारे वैज्ञानिक तो आज तक इस शरीर को नहीं समझ पाए, बहुत कुछ जानना अभी शेष है। सृष्टि की प्रक्रियाओं और इनके रहस्यों के बारे में अभी अभी बहुत कुछ अज्ञात है, बहुत कुछ नहीं जाना जा सका। तो ये विज्ञान का काम, प्रकृति का अन्वेषण करना, प्रकृति को समझना, इस क्रियाओं को समझना, क्योंकि प्रत्येक घटना में एक प्रयोजन है, प्रत्येक घटना में एक सिद्धांत है, और इनको समझने का प्रयत्न वैज्ञानिक यंत्रों के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से करते। तो ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था, तो वो निमित्त कारण है, सबका निमित्त कारण है, एक एक उपादान कारण है, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, प्रक्रियते अनेक प्रकृति, जिससे पदार्थ बनते, उसका नाम प्रकृति है। कुंभकार घड़ा बनाता है, मिट्टी की आवश्यकता। तो प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्व रज और तम, सृष्टि का और प्रलय का ये कारण है, इसी के माध्यम से ये समस्त क्रियाएं हो रही हैं, चेतन सत्ता का सामर्थ्य पाकर, चेतन सत्ता के द्वारा इस जड़ में भी क्रिया हो रही है। तो ये जड़ और चेतन का संयोग है, हमारे भीतर भी जड़ और चेतन का संयोग काम कर रहा है, आत्मा चेतन शरीर जड़, ये जड़ चेतन का संयोग, जैसे जैसे हमारे आपके शरीर में जड़ चेतन का संयोग काम कर रहा है, वैसे संपूर्ण विश्व में इस जड़ चेतन का खेल चल रहा है। हाँ, सर्वत्र ये जड़ चेतन का ये पूरा कार्यक्रम चल रहा, हमारे आपके भीतर जड़ और चेतन का संयोग, आत्मा चेतन शरीर जड़, प्रकृति जड़, परमात्मा चेतन, तो ये जड़ और चेतन का अद्भुत संयोग काम कर रहा।
निमित्त कारण ईश्वर, उपादान कारण प्रकृति, और जो साधारण कारण है वह कौन है? वह जीवात्मा। इस सृष्टि के पीछे हम भी एक कारण हैं। हाँ, हम भी एक कारण हैं। इस सृष्टि के पीछे हम भी एक कारण हैं। पर हम कैसे कारण हैं? हम सामान्य से कारण, हम छोटे से कारण हैं, हम साधारण कारण हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये सृष्टि बनी है। ये खेल किस लिए है? ये सब संपूर्ण जीव जगत के लिए है, समस्त मानवों के, समस्त प्राणी जगत के लिए ये सृष्टि बनी है। हम अपने प्रारब्ध के फलों को प्राप्त कर लें और मोक्ष को प्राप्त कर लें। ये सृष्टि इसीलिए बनी है। इसके कारण तो तीन हैं, निमित्त, उपादान और साधारण। इस सृष्टि के पीछे तीन कारण हैं। ठीक है, चलो ये कारण तो समझ में आ गए प्यारे। ये तीन कारण हैं, निमित्त, उपादान और साधारण कारण। निमित्त कारण ईश्वर, उपादान कारण प्रकृति, और साधारण कारण जीवात्मा है, ये संपूर्ण जीव जगत। ये कारण तो समझ में आ गए, लेकिन प्रयोजन क्या? क्यों बनी है सृष्टि? क्या प्रयोजन? इसके पीछे कौन से तत्व काम कर रहे हैं? तो ऋषियों ने कहा कि प्यारे, भोग और अपवर्ग, इस सृष्टि के पीछे यही दो प्रयोजन हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। हम भोगों को प्राप्त कर ले। भोगों से क्या तात्पर्य है? प्रारब्ध कर्मों के फल भोग को प्राप्त करना। सदगुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्म रंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सदगुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 2110।